नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, कामयाबी में धूप का एक अलग ही महत्व है, क्योंकि छांव मिलते ही कदम रुकने लगते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। और बच्चे कह रहे थे सर, सीईटी क्वालिफाइंग को लेकर। प्यारे बच्चों, वो भी बताऊंगा उसके लिए मतलब क्या योजना रहेगी नेक्स्ट। और एक जरूरी बात बताता हूँ प्यारे बच्चों, सीईटी अगर क्वालिफाई हो भी गया ना, तो भी आपको सेकंड एग्जाम की तैयारी करनी होगी। ग्रुप डी का एग्जाम है, उसके लिए पढ़ना भी होगा। अब डेली लाइव रिकॉर्डेड क्लासे एक मैं अपलोड कर रहा हूँ सीईटी के मतलब ग्रुप डी के नाम से, 4 वीडियो डल चुकी है। साथ साथ वो वीडियो देखो, अगर नहीं देखोगे तो किसी का कुछ नहीं जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। डेली शाम को 7:15 बजे एक वीडियो आपको मिलती रहेगी। अब क्वालिफाइंग को लेकर आज 1 लाख लगभग भर्ती आई है, उस पर भी बात करूंगा। अब है ना, 27/12/2012 को, यानी आपके कल कल के दिन 27 तारीख को शांतिपूर्वक सीईटी क्वालिफाइंग कराने के लिए पैदल मार्च है, गांधी पार्क से लेकर सचिवालय तक। यानी जो भी बच्चे नू के हैं या मेवात के हैं, वो कल है ना गांधी पार्क में इकट्ठे होकर वहां से ना पैदल मार्च सचिवालय तक है रहेगा। तो नू के आसपास के बच्चे है ना, जरूर जाए। और वकील अहमद जो हमारे भाई सरकारी जॉब सिटी से है, वो भी इस मुहिम को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ हर एक डिस्ट्रिक्ट में जब हम ज्ञापन सौंपेंगे तो हमारी जनवरी में हियरिंग है, उसमें पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी। अब मैं बात करता हूँ प्यारे बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट ये कल 27 तारीख को सभी बच्चे वहां पर पहुंचे, ठीक है। अब प्रदेश सरकार नए साल में देगी 1 लाख नौकरियां। ये 1 लाख नौकरियां 40,000 इसमें ग्रुप डी में रहेगी, 23,000 ग्रुप सी में रहेगी, 25,000 है ना इसमें वो भर्ती रहेगी किस पर प्यारे बच्चों, अनुबंध के आधार पर, या आप हरियाणा कौशल विकास निगम के तहत होगी। और इसके लिए ना मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप है ना पढ़ते रहिए। देखो, मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं, अब लाइब्रेरियों में भी बच्चों की तादाद घट रही है, कोचिंग सेंटर में भी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। कारण क्या है कि वो सोचते हैं कि अभी एग्जाम ग्रुप डी का एग्जाम भी शायद ना हो। तो मैं कहता हूँ एग्जाम 2023 में ना पक्का पक्के एग्जाम होंगे, क्योंकि सरकार को 2024 का चुनाव लड़ना है। तो आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़ते रहिए। ये देखो, पुलिस में अगले माह 2,500 पद, सोनीपत में चौथी पुलिस कमिश्नरी बनेगी। 3 पुलिस कमिश्नरी थी, चौथी पुलिस कमिश्नरी सोनीपत में बनेगी। और अगले माह 2,500 भर्ती पुलिस की जाएगी। अभी वो पिछली भर्ती पूरी नहीं हुई है, वो भी अलग बात है। मैं कहता हूँ वहां पर बच्चे बैठे हुए हैं, अगली अर्ली हियरिंग मिल चुकी है, उस पर उनके साथ भी अच्छा हो, ठीक है। तो ये लगभग प्यारे बच्चों अगले माह 2,500 की भर्ती रहेगी। तो इसके लिए आप है ना पढ़ते रहिए, कैसे भी पढ़ो। और जैसे मैं कहता हूँ, आप ऑनलाइन पढ़ो ऑफलाइन पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप दुरीना के साथ तैयारी करना चाहते हो तो दुरीना के साथ भी तैयारी कर सकते हो। सीईटी का जो ग्रुप डी का कोर्स है, न्यू ईयर तक 599 रुपये में ये लाइव कोर्स है। रिकॉर्डेड कोर्स लेना चाहो तो 499 रुपये में ले सकते हो। इसमें टीजीटी पीजीटी सभी कोर्स है, ठीक है, वो ले सकते हो। ओनली हरियाणा जीके का 99 रुपये में। एक नंबर है प्यारे बच्चों, 7497-4004-7 पर, 7497-4004-7 पर इस कोर्स के बारे में आप जानकारी ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये डबल रेट के हो जाएंगे, अच्छे लगे तो ले लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत है नहीं है। और दोबारा आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो लेकिन अपनी पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि सफलता का कोई अल्टरनेट नहीं होता। क्योंकि आप जब सफल हो जाओगे ना, तभी है ना मतलब लोगों के आपके प्रति क्या हो जाएंगे, नजरिए बदल जाएंगे। 2023 में लाख पदों पर भर्तियां होने वाली है, चाहे हरियाणा कौशल निगम के तहत हो, उसमें जो फैमिली आईडी में आए 1,80,000 से जिसकी कम है उसको ज्यादा बेनिफिट है मिलेगा। अगर आपकी आय गलती से ज्यादा हो गई है तो उसको ठीक करवाने का काम कीजिए। तो यही जानकारी है प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिए। और शाम को 7:15 बजे आपकी क्लास आपको रेगुलर रूप से मिल जाएगी। ग्रुप डी का लाइव बैच है, 22 टीचरों की टीम है, एसएससी लेवल के बीच में टीचर डाले गए हैं, क्योंकि ग्रुप सी में एसएससी का मैथ इंग्लिश आई थी, वो सभी टीचर 22 टीचर रहेंगे इस ग्रुप डी के बैच में, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों में। अच्छे लगे वो ले लेना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।